सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे। जल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या नाइट्रोजन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? सोचिए सोचिए। हाँ, नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। यह प्रोटीन, कुछ विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल, जिनमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या डीएनए और राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए इत्यादि सम्मिलित है, इनके जैसे यौगिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सजीवों की वृद्धि, रखरखाव एवं प्रजनन जैसे प्रक्रमों में आवश्यक है। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है। हालांकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन हमारे सहित कई जीव वायुमंडल में स्थित नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते। तो सोचिए, प्राणी एवं पौधे नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते होंगे? आइए इसके बारे में चर्चा करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्राणी और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल की सहायता से उपयोग करने योग्य रूप में प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्रोजन के अन्य उपयोग करने योग्य रूप क्या आप जानते हैं? नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन चक्र एक जैव रासायनिक चक्र है, जिसके माध्यम से नाइट्रोजन हमारे वातावरण में विभिन्न रूपों में परिसंचरित यानी सर्कुलेट होता है। इस चक्र के विभिन्न चरण हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, अमोनियाकरण यानी एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। आइए एक एक करके इन्हें समझें। तो चलिए अब हम नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण जानें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें गैस रूप में स्थित नाइट्रोजन को मिट्टी में अमोनिया या नाइट्रोजन के अन्य यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है और इससे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस को तड़ित यानी लाइटनिंग के दौरान उत्पन्न ऊर्जा के उपयोग से तथा पराबैंगनी विकिरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की ऊर्जा के उपयोग से नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये ऑक्साइड बारिश के जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनते हैं, जो बारिश के साथ जमीन पर गिरते हैं और पौधों द्वारा उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और नॉस्टॉक को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया फलीदार पौधे यानी लेग्यूम्स, जिनसे दाल प्राप्त होती है, के जड़ों में रहते हैं और पौधों के साथ सहजीवी संबंध यानी सिंबायोटिक रिलेशनशिप बनाए रखते हैं। सहजीवी संबंधों में दोनों जीव एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। एजोटोबैक्टर और नॉस्टॉक जैसे बैक्टीरिया मुक्त रहने वाले बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण औद्योगिक रूप से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उच्च तापमान तथा दाब की स्थिति में नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है, जिससे अमोनिया प्राप्त होता है। बाद में इसे विभिन्न उर्वरकों जैसे यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला चरण नाइट्रिफिकेशन है। शायद आप जानते होंगे कि अमोनिया एक जहरीली गैस है, इसलिए इसे प्रयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। जिस प्रक्रिया के अंतर्गत बैक्टीरिया की सहायता से अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उसे नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। नाइट्रोसोमोनस जैसे बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं और इसे नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं। इसी तरह नाइट्रोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया नाइट्राइट का ऑक्सीकरण करके इसे नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं, जो नाइट्रोजन का पौधों द्वारा प्रयोग करने योग्य रूप है।
अगला चरण स्वांगीकरण है। पौधे अपनी जड़ों की सहायता से मिट्टी से नाइट्रोजन के प्रयोग करने योग्य रूप को अवशोषित करते हैं और प्रोटीन और अन्य आवश्यक यौगिकों के निर्माण के लिए उनका उपयोग करते हैं। आहार श्रृंखला यानी फूड वेब के माध्यम से नाइट्रोजन अन्य प्राणियों तक पहुंच पाता है। अब अमोनियाकरण के बारे में बात करते हैं। पौधों और प्राणियों के मृत अवशेषों में मौजूद नाइट्रोजन के यौगिकों जैसे प्रोटीन, यूरिया आदि के अपघटन को अमोनियाकरण कहा जाता है। यह बैक्टीरिया और कवक के जैसे अपघटक यानी डिकम्पोजर्स द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया मिट्टी में अमोनिया की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है, चूंकि वे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण की प्राकृतिक रूप से सफाई होती है। अब हम चक्र के अंतिम चरण पर है, यह डिनाइट्रिफिकेशन है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूडोमोनास और थायोबेसिलस जैसे बैक्टीरिया की सहायता से नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित करके वायुमंडल में वापस लाया जाता है, डिनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। यह नाइट्रोजन चक्र को पूरा करती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत बनी रहती है। दोस्तों, नाइट्रोजन चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई मानवीय गतिविधियों के कारण यह संतुलित नहीं रहता, जिससे एक विशेष स्थान पर पारितंत्र यानी इकोसिस्टम प्रभावित होता है। आइए इनमें से एक स्थिति के बारे में चर्चा करें, जिसे सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। अधिक कृषि उपज प्राप्त करने की दौड़ में हम अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। अक्सर सतही अपवाह कृषि भूमि से पोषक तत्वों जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है को जलाशयों में स्थानांतरित करते हैं। पोषक तत्वों के जलाशयों में आने के अन्य मार्ग है औद्योगिक अपिष्ट जल यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर तथा वाहित मल यानी सीवेज। इन सभी से जल में पोषक तत्वों का सांद्रण बढ़ते जाता है। जलाशयों में पोषक तत्व अत्यधिक मात्रा में होने के कारण जलीय पौधों जिसमें विशेष रूप से पादक प्लवक यानी फाइटोप्लैंकटन जैसे शैवाल सम्मिलित है, इनकी अतिवृद्धि होती है। जल में जलीय पौधों जैसे शैवाल की अत्यधिक वृद्धि को हम प्रस्फुटन यानी ब्लूम कहते हैं। अत्यधिक वृद्धि के कारण शैवाल जल की सतह पर फैल जाता है, इससे जल में ऑक्सीजन का सांद्रण कम होते जाता है। इसी तरह इससे जल में प्रकाश और ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप जलीय पौधे और प्राणी मर जाते हैं। इस स्थिति को सुपोषण कहा जाता है। हमें ऐसे परिस्थितियों से अपने पर्यावरण को बचाने और उसके संरक्षण के लिए उपाय अवश्य सोचने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? हाँ, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन चक्र की सहायता से पर्यावरण में परिसंचरित किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण हैं: नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन, स्वांगीकरण, अमोनियाकरण और डीनाइट्रिफिकेशन। इसी तरह हमने सुपोषण के बारे में भी चर्चा की।